अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और इसके अलावा भी दीगर मामलात पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, सेहत के हवाले से मामलात या दीगर मामलात हों। आज जो बहस का आगाज़ होगा वो यकीनी तौर पर बजट के हवाले से होगा, और उसकी वजह यह कि गुज़िश्ता रोज़ जब बजट पेश किया गया, अच्छा ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं, इससे पहले बजट के आने से कबल जो प्रोग्राम हुए उसमें इन तमाम चीज़ों की निशानदेही करता रहा कि इस बजट में किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए। और जब बजट पेश किया गया, जिस किस्म के टैक्सेस लगाए गए, बहुत सारी असलाहत एक आम आदमी के लिए समझना यकीनन मुश्किल है, और सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, जो ख़ास तौर पे हम जो इन तमाम मामलों को दावा करते हैं कि हम समझ रखते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझना भी बेहद मुश्किल है। अल्फाजों का इस्तेमाल घुमा फिरा कर पेश करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी सही तरह से वाज़े नहीं किया गया। जैसे मैं कल भी ट्रांसमिशन के अंदर K21 न्यूज़ पर हमने की है, उसमें ये बात कहता रहा कराची के हवाले से ख़ास तौर पर एक कोई पैकेज, कोई एक जामे पैकेज या पता नहीं जामे कराची का कोई पैकेज था, क्या था, अल्फाजों का किस तरह इस्तेमाल किया गया, केफ और मनसूबा एक पानी के मसले को हल करने के लिए जो इसको बुनियाद बनाया गया उस पर एक खतीर रकम जो है उसको अल्फाज इस्तेमाल किया गया, ये रखी गई है। वो खतीर रकम क्या है ये हमें अभी मालूम नहीं है, और क्या उसको किस तरह से हल किया जाएगा उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। दीगर ये कि अवामी फलाह के लिए कौन से मनसूबे हैं, कोई इसका भी इल्म नहीं है। बस ये चीज़ ज़रूर तय हो चुकी है कि टैक्सेस जो पहले से बहुत ज़्यादा थे उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया गया, और इसमें इजाफ़ा होता चला जाएगा बतदरीज, साल साल इसमें इजाफा होता रहेगा। और अशिया खुर्दनोश पहले ही एक आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर जा चुकी हैं, उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा क्योंकि पेट्रोलियम के ऊपर लेवी में इजाफ़ा करेंगे तो लामाला दीगर चीज़ें भी महंगी होती चली जाएंगी, जो कि उनका कम होना बहुत ही मुश्किल है। बड़ी देर के बाद कोशिश ये की गई थी, अभी हमने देखा पिछले चंद माह के अंदर कि अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उसमें कमी आना शुरू हुई, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी कमी उसमें वाकई हुई। तो हम उसके बाद ये जो बजट पेश किया गया है, उसके बजट पेश करने के बाद जो नया एक महंगाई का एक तूफान आएगा उसको कैसे रोकेंगे, सवाल ये पैदा होता है। और फिर ये कि बड़े ज़्यादा एम्बिशस जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है वो नज़र आ रहे थे अपनी तकरीर के अंदर, आगे उन्होंने ये भी निशानदेही की आने वाले वक्त में 12% तक जो है इसको वापस ले जाएंगे, तो इंतहाई मुश्किल काम है, तकरीबन नामुमकिन ही इस वक्त नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हकीकत पर मबनी आदादोशुमार पेश किए जाएँ तो यकीनन सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, और ये बात करना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा एक मसला हमेशा से ये रहा है कि कभी सच्ची बात नहीं बताई जाती, इसको बयान नहीं किया जाता। क्यों ऐसा होता है इसके ऊपर तो बड़ी तवील बहस हो सकती है। बहरहाल मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, उनसे इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मेहमान सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा, जनाब ज़फ़र अहमद साहब, ज़फ़र ख़ान साहब। और ज़फ़र भाई से हमारी मुल्क के जो मौशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसके हवाले से गुफ्तगू होती है। अमूमा आज सुबह के वक्त उन्हें मधु का रखा है, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और दूसरे हमारे मौजूद मेहमान नासिर रियाज़ साहब हैं। नासिर रियाज़ साहब जो हैं उनको हमारी तो कोशिश थी कल भी उनसे जो वो हो जाए, ज़रा मसरूफियत रही, और शहर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि इतना आसान नहीं था यहाँ पहुँचना। आज उनसे जो इस मामले पर खुल के बात की जाएगी, रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से भी बताऊँगा, कल भी बड़ी तफसील से बात हुई है। जो मुझे सबसे मुश्किल चीज़ इसमें नज़र आई, वैसे तो हर आम आदमी ही इसमें जो है इस बजट का शिकार होगा, लेकिन जो रियल इस्टेट का शोबा है उसके साथ जो कुछ हुआ है, मैं भी नासिर भाई से उस पर बात करूँगा, पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, बड़ी नवाजिश आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ज़फ़र भाई, अल्फाजों का चुनाव, अल्फाजों का इस्तेमाल जिस तरह होता है वैसा ही कल कुछ हुआ, और आवाम के लिए तो क्या ही इसमें कुछ होगा, लेकिन ये कि जो कुछ हुआ है उसके बाद महंगाई का एक ना रुकने वाला सिलसिला है। अब मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि ऐसा करके उसको आसान अल्फाज में समझाऊँ ताकि जो एक आम आदमी है उसको ये बात समझ में आए कि ये हुआ क्या है। क्या आप समझते हैं, क्या तवक्कोआत के मुताबिक था या उसके बरक्स था, या ये वो रवायती बजट था, एक IMF का बजट डॉक्यूमेंट था, 33 सफ़े थे, उस पर आके उन्होंने पढ़े और वो अपनी एक जिम्मेदारी पूरी की और चलते बने। वो जो आधी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आधे अपोजिशन का जो किरदार अदा कर रही है जमात, उसने शिरकत भी की और उसके बाद चले भी गए,
दामाद की तरह वो आए उसके अंदर इजलास में और फिर वो चले भी गए। तो ये सिलसिला है क्या, जरा ये बताइए। बहुत शुक्रिया यासर भाई। देखिए, पाकिस्तान में तो बजट की सिर्फ इतनी अहमियत है कि सस्ती तो कोई चीज़ नहीं होती, रिलीफ तो कोई नहीं मिलता, बल्कि बस ये होता है कि GST बढ़ा दिया गया, जो है ना, फलानी चीज़ के ऊपर जो है वो टैक्स लेवी लगा डाल दिया दो। गया, पेट्रोल पे लीवी बढ़ा दी गई, इस तरह की चीज़ें जिसके नतीजे में महंगाई का एक सैलाब जी जो है वो और आता है बिल्कुल सही। और आम आदमी की ज़िंदगी और दुश्वार हो जाती है। आम आदमी से इस बजट का इतना ताल्लुक है कि वो डरा सहमा वो होता है कि बजट आ रहा है, अल्लाह खैर करे, कहाँ कहाँ मजीद जो है मेरे ऊपर जो है मुझे जेर बार किया जाएगा, मेरे ऊपर बोझ डाला जाएगा। अच्छा, अलमिया यह है पाकिस्तान का कि ये जो बजट बनाने वाली अशराफिया है, जो भी लोग ये पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी साज इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, इन सब का मसला ये है कि इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, बिल्कुल सही है। चाहे पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, चाहे जो है वो कोई मकान का रेंट हो, चाहे इस तरह की जितनी भी बिल्कुल चीज़ें सही हैं, कहा। ये इन सब के लिए मुफ्त है। 75 साल से हम इस मुल्क का हाल देख रहे हैं कि इन्होंने आवाम का और इस मुल्क का भुरकस निकाल दिया, लेकिन ऐसा लगता है इन जिस तरह से ये अपनी मराहत में इजाफा करते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से ये अपनी सहूलियात के ऊपर किसी किस्म का कोई छोटा सा कट भी लगाने के लिए तैयार नहीं होते, और इसमें अपोजिशन और हिजब इकतदार सब एक है, बिल्कुल सही, सब मुत्तफिक है, मुत्तफिक मिले में है ना। मिले हुए हैं सब। तो यानी ये अपने उसके ऊपर तो जो भी, यानी जो फ्री इनकी जो सहूलियात हैं, जी यानी ये कि उसके ऊपर चलो भाई कोई आगाज कर ले, यानी ये कि भाई फ्री जो है पेट्रोल किसी को नहीं मिलेगा, फ्री बिजली किसी को नहीं मिलेगी, और जो है ये फ्री जो सहूलियात हैं ये हम खत्म कर रहे हैं, और क्या कारनामा अंजाम दिया इन्होंने, क्या तीर मारा है इस मुल्क के लिए जिसके लिए हम इनके ऊपर जो इतनी इनायात और इतनी नवाजिशात हो रही हैं, इन्होंने तो इदारे बर्बाद कर दिए, इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, इस मुल्क का ये हाल कर दिया, और उसके बाद समझते ही हैं कि हम ही सब चीजों के हकदार हैं, और एक गरीब आदमी जो यानी 3200 और 3500 जिसकी जो है ये जो है वो कम से कम जो है वो मिनिमम वेज रखते हैं, आप मुझे बताइए कि एक माचिस की डिबिया से लेकर एक नमक की थैली तक के ऊपर वो जो है वो टैक्स अदा कर रहा होता है, बिल्कुल अदा कर रहा है। और उसके यानी ये नहीं है कि कोई आम आदमी टैक्स नहीं दे रहा, हर हर फर्द हर हर चीज के ऊपर टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहा है। और लेकिन जो इनके जो सेक्टर है उसके ऊपर ये कोई टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है, जी कोई ड्यूटी लगाने के लिए तैयार नहीं है। तनख्वाहदार तबका जो है उसने अभी तकरीबन कमोबेश 350 अरब रुपए का जो है वो टैक्स उन्होंने दिया इस जी गुज़श्ता साल के अंदर, जी और अब उन्हीं के ऊपर इन्होंने इनकम टैक्स में मजीद इजाफा कर इजाफा दिया, कर दिया। और जो है वो उनके लिए जो है ना और मुश्किल खड़ी कर दी। एक तरफ से तो कहते हैं कि हम ये 20% और 25% इनकी तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे सेल्स टैक्स भी बढ़ा देते हैं, वो जो है वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी बढ़ा देते हैं, और जो है वो सारी जो है वो इनकम टैक्स भी बढ़ा देते हैं, लेवीज पेट्रोल की भी डाल कीमत भी दी, बढ़ा ये भी देते डाल हैं, दिया, सेल्स बिजली की टैक्स भी। कीमतें महीने में तीन तीन मरतबा इजाफा कर रहे हैं। यार देखिए कोई तमाशा है, सबसे महंगी तरीन बिजली इस खित्ते के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर दी पाकिस्तान जा रही है, और फिर ये चाहते हैं कि साहब यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट बढ़े और जो है वो कारखाने चलें और सनअतें चलें, यानी सनअतों की जो कारकर्दगी है, सनअतों की जो पैदावार है, वो खुद कह रहे हैं कि 1.2% या 5% जो है वो यानी उनकी जो है वो पैदावार रही है। अब आप मुझे बताइए कि उनको चलाने के लिए इन्होंने कौन सा रिलीफ दिया, इन्होंने कौन सी रियायत दी, इन्होंने कौन सी सहूलत दी, इन्होंने उनके लिए कौन सी ऐसी फेवरेबल चीज़ इस बजट के अंदर रखी है। ये तो वो IMF का वही बजट है और वो इनको दे दिया जाता है, ये जो है ना वो तोता मैना की कहानी की तरह उसको वहाँ जो है वो पेश कर देते पेश कर हैं, देते हैं। और जो है वो बस जिंदाबाद और मुर्दाबाद हुआ और चलो भाई मामला खत्म हो गया, वो मंजूर हो गया और आवाम के ऊपर वो कोड़े बरस गए, बिल्कुल ऐसे। और उसमें किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि EOBI के जो पेंशनर हैं, जी जो सारी जिंदगी जिनके जब वो जॉब के ऊपर होते हैं तो उनकी सैलरी से
जो है वो पैसे कट रहे होते हैं, कट रहे होते हैं, और जब वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद आपको पता है, आप सोच सकते हैं कि उनको कितनी पेंशन मिलती है? 10,000 रुपए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो हम यहाँ पर जो लोगों को मुफ्त जो बांट रहे हैं, वो आपको पता है कि वो अमाउंट कितना है? और जो अपने पैसे कटवा कर सारी जिंदगी जो है खिदमात देकर और अपनी जो है जवानी देकर, अपना खून पसीना देकर, फिर जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में होता है कि जब उसको दवाओं की जरूरत है, जब उसको जो है दीगर सहूलियात की जरूरत है, तो उस वक्त जो है उसको 10,000 रुपये पेंशन दी जाती है। जी। अभी अब इन्होंने कहा तो कि पेंशन में इजाफा होगा, लेकिन वो किसकी पेंशन में इजाफा होगा? EOBI वगैरह का इस हवाले से कोई जिक्र नहीं, नहीं, किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। आप देखें कि ये जो आम आदमी जो है, एक आम मजदूर जो है, एक आम मुलाजमत पेशा जो है, उसकी जिंदगी को तो ये इतना अजीरन और इतना दूभर करते चले जा रहे हैं कि इनको एहसास ही नहीं है क्या ये कोई भी चिंगारी जो है ना वो शोला बन सकती है। और अब हालात उस डगर पे चले गए कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए इन्हें कोई यानी कोई रिलीफ दें, कोई तदारुक करें, कोई ख्याल करें, कोई आम आदमी का उसी के ऊपर बोझ डालते चले जाते हैं। तो इसलिए मसला ये है कि जब तक इनके ऊपर कोई जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, और IMF भी इन वैसे तो बकिया शराइत के लिए तो वो किस्त रोक के बैठ जाते हैं जी, वो जो है वो अपने मामलात को जो है वो करते हैं कि नहीं जब तक ये शर्त पूरी नहीं होगी तो उस वक्त तक जो है ये किस्त नहीं दी जाएगी। लेकिन ये जो मिरात यास्ता तबका है, इसके ऊपर वो भी कोई बात नहीं करते, इसलिए कि उन्हें भी इन्हीं से ये सब इम्प्लीमेंट कराना होता है, उनको भी पता है। और IMF ने चाहे वो मिस्र हो या कोई भी दूसरा मुल्क हो, कहीं पर भी उसकी वजह से कोई खुशहाली उछाली कुछ भी नहीं आई, खत्म हो गए वो, बल्कि वो दिवालिया ही हुए, दिवालिया ही। और हम जो है वो अपना सूद देने के लिए हम कर्ज ले रहे हैं, 9,000 अरब रुपए आपने सूद अदा करने जी, सोचे तो सही, और वो सबका सब कर्ज लेके अदा कर रहे हैं, कर्ज लेकर अदा कर, यानी हम तो यानी वो कर्ज के उस पर जो है अय्याशियां कर रहे हैं, अलल्ले तलल्ले कर रहे हैं, किस तरह से चलाएंगे हम इस मुल्क को, कब तक इस तरह के धंधे करते रहेंगे, कब तक कर्ज लेकर। इस वक्त एक एक बच्चा पाकिस्तान का 2,80,000 रुपए का मकरूज है, हर पैदा होने वाला बच्चा, हर एक मासूम बच्चा तक जो है उसको इतना मकरूज कर दिया गया है। लेकिन उस कर्ज को जो लिया जाता है उससे एक आम आदमी को क्या फायदा है, उसको क्या रिलीफ दे रहे हैं, उसको क्या सहूलत दे रहे हैं? सारी सहूलियात तो आपने रखी हुई है कि जैसे आपने बड़ा तीर मारा है, इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है, आपने इस मुल्क को बड़ा एहसान किया है, यानी ये तो तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। इसके ऊपर बहरहाल हमारे पॉलिसी साजों को सोचना होगा और इसका कोई तदारुक करना होगा, इसके हवाले से कोई इकदाम करना होगा। और ये बजट भी जो है ये हमारे यहाँ तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो होता है कि साल में एक मरतबा आता है, उसके बाद वो अगले साल का इंतजार करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये अभी आप देखिएगा कि पेट्रोल फिर बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे, बिजली के बिल में फिर इजाफा करना होगा कर देंगे, गैस के यूनिट में फिर इजाफा करना होगा कर देंगे, जो भी कोई चीज होगी वो कर देंगे। तो ये जो है ये तमाशा और ये ड्रामा जो लगाया हुआ है इसको खत्म होने की जरूरत है। नासिर भाई आपकी तरफ आऊंगा, कल एक दोस्त से उनको दुबई कॉल की तो कहने लगे यार यहाँ पर आज क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है, रियल इस्टेट से उनका ताल्लुक था, तो बहुत खुश थे, कहने लगे आज तो हमारे यहाँ दावत है क्योंकि बजट आया है पाकिस्तान में। तो मैंने कहा मेरे लिए तो समझना बड़ा मुश्किल है कि बजट पाकिस्तान में आया है और रियल इस्टेट से तुम्हारा शुभ ताल्लुक है और तुम वहाँ पर खुशियाँ मना रहे हो, उसकी क्या वजह है? तो फिर ये समझ में आया कि जिस तरह के काम किए गए बजट के अंदर तो वो तो उनका खुशी मनाना बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट होगा। ज़रा फरमाइएगा यासिर भाई, काफ़ी दिन बाद आपके पास हाजिर हूँ, मैं खुद भी ज़रा फॉरेन ट्रेवल पे था जी, जी, जी। तो दफा की बात है, बजट देखा है सारा यहाँ, अच्छा बाहर से यहाँ है तो एक दफ़ा तो एहसास होता है कि क्या हो गया ये मुल्क के साथ होता बिगड़ता चला जा रहा, लेकिन पता है क्या, आप ये देखें डेवलपमेंट काम भी हो रहा है, ये बात नहीं है, हम बहुत नेगेटिव भी, हम लोग हमारी आदत है बहुत नेगेटिव भी जाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ बजट क्या है। ये देखें ये मामलात ये हैं कि हमारे ऊपर जो आप ये कह रहे हैं कि जो मुल्क चलाने के लिए जिस तरह से भी जो कर्ज लिए गए, ब्यूरोक्रेसी ने लिए कर्ज अपने खर्चे पूरे करने के लिए, मुल्क देखें आज भी आपको पेट्रोल आटा दाल चावल
हर चीज आपके डोर स्टेप पे मिल रही है, बासानी मिल रही है, पैसे देके मिल जाती है, ठीक है। ये एक सिस्टम चल रहा होता है, इस सिस्टम को रन करने की कॉस्ट बहुत हाई होती है, बहुत बढ़िया बात है, 25 करोड़ की, 24-25 करोड़ की बात है, उसको पूरा मेंटेन करना है। मैं कोई आपके मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा चूँकि इस जगह बैठे, बजट तकरीबन को 18,000 अरब का ये बजट तकरीबन है, सारे इसमें 52% जो है वो हमारी जो है जो डेट पेमेंट्स हैं जो सूद वगैरह देने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको बहुत क्लोजली मुवाजना देखें ना, तो उसमें 4.5% जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी के खर्चे हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो पेंशन्स वगैरह जैसे भाई ने भी बोला, वो तकरीबन 7% पेंशन्स हैं इसकी बजट की। इसके अलावा 11% डिफेंस एक्सपेंडिचर है इसमें, ठीक है। फिर तरक्याती काम के लिए एक्सपेंडिचर रखे हैं, सारा एक पूरा एक 100% इस बजट को इस तरह मेंटेन किया। लेकिन आप देखें 52% जो है वो डेट पेमेंट्स हैं सारी, जो हमने सूद वगैरह देनी है। अच्छा, अब ये किस तरह से इसको निपटाना है, चूँकि बात ये थी कि पीछे कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी भी आई जो मतलब जो तरक्याती काम नहीं किए और वो कर्जे लेते चले गए और उनको कहाँ पे खर्च कर दिया कुछ पता नहीं है, तो उसकी वजह से ये जो जब वो और रीपेमेंट्स भी नहीं हुई, कम हुई रीपेमेंट्स, उनको रोल ओवर किया। अब जब रोल ओवर करते हैं तो वो हाई क्लास हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है, अब वो देने हाई इंटरेस्ट रेट पे भी देने हैं, सारा कुछ देना है। इस वक्त प्रेशर में है, इस वक्त हर वक्त एक चीज डिफॉल्ट की एक चीज लटक जाती है, तो उससे तलवार से बचने के लिए इन्होंने ये एक बजट बनाया है इन्होंने, और उसको इस तरह से डिजाइन किया कि उससे जो है आम आदमी को कम से कम प्रॉब्लम हो। अब मैं इस बात पे आना चाहता हूँ, बात यह है कि रियल इस्टेट वगैरह भी, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, ठीक है। आप देखें बिजली या गैस जो है ये एक नॉर्मल सर्कमटेंस पे बढ़ रही है, हमारे लोग भी थोड़े से आदी हो गए, गैस बहुत सस्ती दुनिया रेजिडेंशियल गैस दुनिया में इतनी सस्ती गैस नहीं मिलती जितने हमारे लोग आदी हैं, तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। बिजली का मैं समझता हूँ बिजली का थोड़ा इशू है कि वो एडजस्टमेंट वगैरह हो जाती है सारी। अच्छा, पेट्रोल भी आपका एक नॉर्मल इलाके के दूसरे मुल्कों के हिसाब से अभी भी हम रीजनेबल हैं पेट्रोल में, ठीक है। यही एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें जो हैं गंदम ये सारी एट कॉस्ट जो दुनिया की कीमत है उनसे हम सस्ते ही हैं। मैं अभी सऊदीया में था, वहाँ महंगी थी आटा, महंगा था वहाँ पे, हमारे यहाँ सस्ता आटा है, ठीक है। तो अच्छा, कई चीज़ें वहाँ सस्ती हैं यहाँ महंगी हैं, लेकिन हम मतलब हम सस्टेन कर रहे हैं। भाई एक चीज़ की मैं यहाँ पर वो वजाहत करता चलूँ ताकि वो तो तवा सुन रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप हुकूमत की नुमाइंदगी जो है ना इस वक्त ज्यादा कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम चीजों को जो है पॉजिटिव बोलना, अच्छी बात है, या तो आपका सकाक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि अभी आपने बात की ना, हमें बहुत सारी चीज़ों में मुवाजना नहीं कर सकते दुनिया के मालिक से, वहाँ की पर कैपिटा इनकम में और हमारी में ज़मीन आसमान का फर्क है। अगर हम अपनी कोरिया के साथ बैठ कर ना, अगर साउथ कोरिया के साथ मुवाजना करें, $30,000 से ऊपर चली गई ना, तो हमारा तो उनसे मुकाबला नहीं, $1,600 हमारी जो पर कैपिटा आप कैलकुलेट करेंगे तो बनेगी, तो कितना बड़ा फ़र्क हो गया अगर हम वहाँ की सहूलियात का यहाँ से मुवाजना करेंगे तो वो नहीं बनता। बिल्कुल, बेशक। दूसरी बात यह कि हमें अभी जैसे भी आपने जिन चीज़ों का तस्करा करा, मैं इसमें ये शामिल कर लेता हूँ कि अब आपके पास पैमाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैयार ज़िंदगी आया लोगों का बढ़ा है, मेंटेन हुआ या नीचे की तरफ गया है, तो जब आप ग्राफ देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, उसमें बल्कि स्लाइड आ गई है, वो नीचे की तरफ चला गया, और उसकी वजह क्या है, अफोर्डेबिलिटी कम होती चली गई है। हम तमाम चीज़ों का अगर तकाबली जायज़ा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जैसा भी आपने 37,000 रुपये ब्रैकेट में रखा कि एक आम आदमी की कम से कम तनख्वाह, अब ऑन पेपर तो अगर मैं इन तमाम चीज़ों को रखूँगा तो शायद एक बैलेंस मैं क्रिएट कर सकूँ, लेकिन रियलिटी क्या है कि 37,000 रुपये नहीं है। फिर अगर अखराजात को देखूँगा जिस तनासुब के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो उसको अगर हम परसेंटेज काउंट करेंगे तो वो हमारे पास डबल से भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, बिजली के बिल की शक्ल में, पेट्रोलियम की प्राइसेस में, एडिशनल लेवीज़ के अंदर। दुनिया के अंदर इन चीज़ों को बड़े बैलेंस वे में लेकर चला जाता है, टर्की के अंदर इन्फ्लेशन यहाँ से ज़्यादा है, मामला यहाँ से ज़्यादा सख्त है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर क्या हुआ ऐसा कि वो जो हाइपर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है वो इससे आम आदमी को कोई इफेक्ट पड़ा है, उन्होंने इस चीज़ को बैलेंस कर दिया कि वहाँ पर नए सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए इनकम ब्रैकेट में जो है वो इजाफा होता जाता है, बढ़ती चली जाती है, ताकि वो जो है इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में किसी तरह इकोनॉमी के अंदर एब्जॉर्ब होने की कोशिश करे। बाकी देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुज़श्ता 75 साल में अलमिया हमारे लिए ये रहा है कि हमारी गवर्नमेंट गरीब रही है और लोग अमीर रहे हैं, ये हमेशा से रहे। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट अमीर होती है और लोग गरीब होते हैं, मतलब गरीब से मुराद है कि वो इतने पावरफुल नहीं होते, जितने यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लोगों की सेविंग्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, सारा हर चीज होती है, कमाई भी बहुत अच्छी होती है सबकी। अच्छा, अब उसके अब आदी हो गए, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब मिसाल तौर पर प्रॉपर्टी पे हम आ जाते हैं, आपकी बाकी
बातें सारी अपनी जगह। 37 देखिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट इंक्रीज करिए, 37,000 पे ले गए उसको 32,000 से उठा के। अच्छा उसके अलावा अब आप अच्छा पहले चलो इसी पे बात कर लेते हैं, टैक्स जो इसके ऊपर लगाया है उन्होंने उसको कहने को तो 50% इंक्रीज है, लेकिन लाख रुपए पे 1,250 रुपए टैक्स था पर मंथ, ठीक है, उसको 1,500 रुपए किया, तो ये कोई मतलब बहुत मिनिमम है, आप देखें बहुत छोटा अमाउंट है। अच्छा जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है तो बढ़ता है, तो जब सैलरी बढ़ती है तो वो देखते हैं कि भाई आपने खर्चे पूरे कर लिए, ऊपर क्या पैसे करें, तो उसमें टैक्स उन्होंने उसको बढ़ाया है। लेकिन हम लाख रुपए के ऊपर देख लें तो 1,500 रुपए पर मंथ इज नथिंग, ये चीज होती है। अच्छा अब इसी तरह से अब हम प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी पे क्या है 3% टैक्स है, ठीक है, जो फाइलर है हम फाइलर को ही देखेंगे, तो उसके बाद 4.5% हो जाता है, फिर वो 6% हो जाता है, ठीक है आउट। अच्छा फिर हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो है वो हमेशा कम शो की गई है, ठीक है, वो जो है अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली 25 रुपए या 30 रुपए या 50 रुपए शो की जाती है, उस 50 रुपए के ऊपर 3% टैक्स है, तो एक्चुअली 1.5% टैक्स लगा। रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराए ना बजाय टैक्सेस इंट्रोड्यूस करा रहा है, मैं तो ये समझ रहा था रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बनाई जाएगी, फेडरल में तो शायद काम करती है लेकिन ऑल ओवर द कंट्री आप रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए ताकि चीजों को रेगुलेट करेंगे, सिंपलीफाई होंगी, खुद ब खुद टैक्सेस आना शुरू होंगे। दुबई की अब बात करते हैं, दुबई में 100% शो होती है, अगर 2.5 मिलियन का कोई विला है तो 2.5 मिलियन धर्म का ही उस पर टैक्स लगेगा, 5% है ना, प्रॉपर्टी सर्वे करवाना इन सारी चीजों। जी जी, तो वो बात ये है कि हमारे यहाँ टैक्स, मैंने कोई कहा हम आदि हो गए कम उसके ऊपर, तो हम मैं अफेक्ट हुआ प्रॉपर्टी से, मैं खुद अफेक्ट, हम सब क्योंकि बिजनेस में हम अफेक्ट हुए, लेकिन हम उसको देखें कि हम देखते हैं कि भाई अजीम तर मफाद मुल्क के मफाद में क्या चीज़ बेहतर है, अगर ये मुल्क के मफाद में है तो ठीक है। तो बात यह है कि अगर 3% टैक्स पाकिस्तान में अगर लगे फाइलर के ऊपर, 3% पहले भी था, अभी भी 3% ही है। अच्छा अब इन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की है, एक था फाइलर, एक है नॉन फाइलर, नॉन फाइलर पे 6% है, फाइलर पे 3% है, एक है डिलेड फाइलर, ये नई चीज इंट्रोड्यूस की, जो डिले अपना रिटर्न फाइल करते हैं उस पे 4.5% है। तो बात यह है कि गवर्नमेंट भी हर चीज को क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि कहाँ पर वो गैप है और कहाँ किस गैप को फिल करना है। मैं तो मुझे ये लग रहा है ठीक है, एक जनरल कॉन्सेप्शन यही है कि प्रॉपर्टी क्यों, इसलिए कि यहाँ पे लोगों ने उल्टा सीधा कमाया भी है प्रॉपर्टी। अच्छा उसकी वजह से जिनको मुश्किल हुई वो के दुबई चले गए, जैसे 11 अरब डॉलर की दुबई में प्रॉपर्टीज निकल आई, दुबई में 24% टैक्स आ रहे हैं, आपको भी बस पता है, मुझे पता मैं भी जानता हूँ, जिस दिन ये जो अभी जो वहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं ना, हाँ। वो मिठाइयाँ वो अभी वो मिठाइयाँ उनकी जो है ना बासी हो जाएंगी दुबई में भी, तो पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान में क्या है कि फिर आपका आप अपने मुल्क में अपने मुल्क की इन्वेस्टमेंट है अपने, आप यहाँ इंजॉय तो कर सकते हैं, वहाँ बाज़ औक़ात कोई पाबंदी वीज़े की पाबंदी आ जाती है, कोई और पाबंदी आती है, अब दुबई में कहाँ इन्वेस्टमेंट, किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, टेक्निकली हम अपने मुल्क में बड़ी जगह इंजॉय कर लें आपकी बात से, तो बात यह है कि जी जी बात यह है कि ये टैक्सेस इतने इस तरह नहीं है, ये बड़ा ख्याल से किया गया। अब आप अगर जैसे IT पे देखें 0.25% है उसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर है, बहुत गवर्नमेंट ने उसका बड़ा ख्याल रख लिया है आवाम का, उसमें आप उसका बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा, मैं जैसे गैजेट्स के ऊपर बता रहा था 18% फर्दर जो है टैक्स उसके ऊपर हाइक कर दिया गया, ठीक हो गया जी। ये जो IT की एक्सपोर्ट्स है ना ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी इन गैजेट से, लैपटॉप से और मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन इन पर्टिकुलर, इसको और वो कर लेते हैं क्योंकि अब लैपटॉप का काम खत्म, अब मोबाइल फोन। अब अगर आप इसके ऊपर टैक्स देखेंगे, ब्रेक के लिए कह दिया गया, मैं इसको आसान करके समझा देता हूँ, जब आप इसके ऊपर इतना टैक्स देंगे, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन उस वक्त होगी जब आपके पास नया गैजेट होगा, पुरानी टेक्नोलॉजी उस इतनी लास्टिंग अब नहीं है, 17 महीने 17.5 महीने एवरेज उसको अब सिलीट कर जाता है। अगर आप उसकी तरफ नहीं आएंगे तो फिर आप कैसे काम करेंगे, ठीक हो गया, जो बच्चा काम करने वाला है जो IT से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो इसके थ्रू काम कर रहे हैं। अब आप जरा कैलकुलेट कीजिए, ब्रेक के दौरान मैं और आप इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर बात इसको ब्रेक के बाद जो है कंटिन्यू करते हैं, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम। जनाब गुफ्तगू जारी है, ब्रेक पे जाने से पहले भी मामला ज़ेर बहस आए, ब्रेक के दौरान भी यही गुफ्तगू हो रही थी क्योंकि मामला इतना संजीदा है कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। एक आम आदमी वाकईतन इससे बहुत परेशान है जो सारी सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर भी मुनासिर भाई हमारे बड़ी अच्छे से तर्जुमानी कर रहे थे, मैं बहुत सारी चीज़ों पर जो है बड़ा एहतराम के साथ, क्योंकि हमारा भी चलता रहता है ये हिसाब किताब का कि ये सारा अभी कितनी कॉस्ट कटिंग होगी, दुनिया में क्या मामलात हैं,
वहाँ पे क्या कुछ हो रहा, अभी नासिर भाई से बात करूँगा, जफर भाई की तरफ आऊँगा। जफर भाई फरमाइएगा, इसमें क्या इजाफा करूँ, वसाइल की कमी का भी तस्करा नासिर भाई ने कर दिया, मैंने एक बड़ी अजीब सी मिसाल भी दे डाली कि अगर मैं इस वक्त दूंगा तो लोग जो है वो शायद खवातीन तो बहुत बुरा इसको मान जाएंगे। जी फरमाइएगा, हमारी क्या मिसाल उससे मुख्तलिफ है। देखिए मैं यहाँ से बात शुरू करूँ, जी जी, जो हमारे भाई ने एक बात की कि यहाँ की जो है वो हुकूमत गरीब है, अवाम जो है वो अमीर है और मालदार है। मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये जो है इन्होंने ये तजिया कहाँ से निकाला, ये बात कहाँ से की है। आप मुझे बताइए कि जितने हुक्मरान हैं मौजूदा या साबका या जो भी किसी भी जिम्मेदारी पर रहे हों, हाँ ब्यूरोक्रेसी में ही हों, सियासत में हों, सारे जो भी हों, जजेज हों, जो दीगर जो भी शोभा जात हैं, सबके आप बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए, सबके असासे चेक कर लीजिए, आप आपके सामने आ जाएगा कि ये अमीर हो रहे हैं और पूरा मुल्क और पूरी आवाम गरीब हो रही है। अच्छा जफर भाई, कथा कलामी की माजरत, अभी मैं इस बात से मुझे याद आया, मैं इसमें आपको कल भी मैं तस्करा कर रहा था, मैंने बड़े दबे लफ्ज़ों में ये बात कही थी कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की अय्याशी का अगर मैं आलम अगर आप बताना शुरू कर दूँ यहाँ पर, तो लोग जो है ना, शायद एक होता है दांतों में उंगलियाँ देना, वो मेरे ख्याल में अपना हाथ ही चबा जाएंगे कि जिस किस्म की अय्याशी। एक छोटी सी मिसाल कल मैंने पानी की मिसाल दी थी कि एक फ्रांस की कंपनी, उसका पानी जो है खास आया करता था, हमारे एक अजीज़ उनकी इनसे वाबस्तगी वो इसी सिलसिले का, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहे, तो वो एक ख़ास सूट पहना करते थे जो इंग्लैंड से सिलकर आया करता था, और वहाँ से जो शाही ख़ानदान है वहाँ पे सिर्फ उनके लिए वो कपड़े सिलते थे। उसकी कीमत का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी कीमत एक सूट की क्या थी होगी जो पाकिस्तान की कौम को अदा करनी पड़ती है। लोगों के पैसे से हो रहा है ना ये सब कुछ। तो एक बहुत अमीर एक साहब थे, बिजनेसमैन पाकिस्तान के बड़े, मैं उनके साथ बैठा था, मैंने उनके सामने तस्करा किया कि ये सूट कभी आपने पहना है, उन्होंने कहा मैं इतना अभी वो नहीं हुआ कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूँ। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है जो मैं इसमें इजाफा कर रहा हूँ। देखें मैं तो आपसे ये बात करता हूँ, आप मुझे बताइए कि इन्होंने अपने प्रोटोकॉल पे कोई कट लगाया? कोई नहीं, कहीं तस्करा नहीं हुआ। इन्होंने अपनी मरात में कोई कमी की? नहीं। इन्होंने जो है वो सबसे सस्ती रोटी, सबसे सस्ता खाना, सबसे सस्ती चाय जो है वो पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में मिलती है। क्या वहाँ क्या गरीबों के लिए कोई, इन्होंने गरीबों की के लिए अगर वो आटा सस्ता भी हुआ तो रोटी सस्ती नहीं करा पाते। आलू प्याज की कीमत चेक करने के लिए दो मोबाइलें साथ होती हैं, एक पर जीरो साथ होती है, इंतहाई नाहिल शख्स उसको जिम्मेदारी दी होती है, पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, और वो यानी आलू प्याज की कीमत चेक हो रही है। आप इस मुल्क का यानी तसव्वुर तो करें कि जो दुनिया के अंदर जो मालदार तरीन मुल्क है उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइकिल पे भी सफर कर लेता है, वो जो है वो पैदल जो है वो आवाम के दरमियान और शॉपिंग मॉल में और जो है वो बाजार के अंदर भी जो है वो घूम लेता है, और ये यानी इतना लंबा काफिला होता है कि 20-20 और 30-30 गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, एयरपोर्ट से आ रही हैं, आवाम के रास्ते बंद हो गए हैं, उनका ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है कि साहब शाही सवारी गुजर रही है। इतनी शहनशाहियत तो शायद दुनिया में आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। कहीं इस गरीब मुल्क में जिसमें आपको सूद देने के लिए भी जो है वो कर्जा चाहिए, जहां आपने एक बच्चे तक के ऊपर 2,80,000 रुपए का कर्जा चढ़ाया हुआ है, तो वहां पर क्या इन चीजों के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए कोई था? तस्करा क्या बजट के अंदर इस तरह की कोई चीज मौजूद है? कोई भी मेरे भाई इस तरह की बात कर रहे थे कि मैं हैरान हो रहा था कि साहब इन्होंने मुल्क के लिए बेहतरी। आप मुझे बताइए कि जो प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है, ये जो इसका कंस्ट्रक्शन का, इससे कमोबेश 17 सेक्टर की इंडस्ट्रियां जो है 70 से ज्यादा है, 37 आप इन सब की प्रोग्रेस को यानी स्लो कर रहे हैं, आप इनको रोक रहे हैं, आप यहाँ से लोग बेरोजगार होंगे, यहाँ इनकी कंस्ट्रक्शन पहले ही आपका सनती सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने, ये प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो आपने टैक्स को बढ़ाकर आपने सारी 37 जो इंडस्ट्रीज जो है इनके ऊपर आपने जो है ना कट लगाया है। ये
क्या आवाम के फेवर में, क्या ये मुल्क के फेवर में, क्या ये आपकी इंडस्ट्री की ग्रो की फेवर में? मैं तो, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये कौन सा दिमाग लेकर बैठे होते हैं, या ये उस वक्त होश में भी होते हैं या नहीं होते जब ये पेश कर रहे होते हैं। सॉरी टू से, यानी बुरा लग रहा होगा यानी इन लोगों को, लेकिन ये एक आम आवाम की जो बात है वो मैं यहाँ नहीं, बुरा भी नहीं लगता आपके चैनल के जरिए से, मैं ये बात उनको तो बुरा भी नहीं लगता इस बात का। जी जी फरमाइए। प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं बढ़ाया इन्होंने, कौन सा टैक्स बढ़ाया प्रॉपर्टी पे? नॉन फाइलर पे बढ़ाया टैक्स। नॉन फाइलर देखिए, नॉन फाइलर वो कैटेगरी है जो अनडिक्लेयर इनकम होता है, वो मतलब नहीं, वही सोच रहा हूं 45% हो गया, लेकिन ये फाइलर के ऊपर भी बढ़ा है। कौन सा 45% बढ़ा है? नहीं, नॉन फाइलर पे 45, फाइलर पे तो 12.5% था, वो 15% कैपिटल गेन टैक्स उसको किया है, 2.5% का उसको, कैपिटल गेन के ऊपर भी आप मुतमईन हैं? लेकिन हां, मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में आप देखें बहुत हैवी ड्यूटी टैक्सेस हैं। आप यूके की प्रॉपर्टी देखें, दुबई की या कहीं और भी, बहुत हैवी ड्यूटी टैक्सेस हैं। देखें ये, इसको रोकना है। लोग क्या करते हैं, दुबई की प्रॉपर्टी या पाकिस्तान की प्रॉपर्टी या इंग्लैंड की प्रॉपर्टी से वैल्यूएशन में तो आपको फिर शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 जी। अच्छा, अब क्या, अब मामलात क्या है? मामलात ये है कि अगर 3% है तो 3% ही आज भी है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद प्रॉपर्टी अब बेहतर होगी। मैं ये आगे जो है अभी कुछ दिन में बेहतर होगी, उसकी वजह ये है कि हाँ, उसकी वजह ये देखें। अच्छा, अब एक और चीज़ पे भी जो न्यूज़ आ रही है कि नॉन फाइलर का जो फॉरेन ट्रेवल पे भी उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल होना चाहिए कि नॉन फाइलर है तो सेग्रीगेशन आपने रखी क्यों? फाइलर नॉन फाइलर ये टर्म जो इस्तेमाल होती है नॉन फाइलर की, मैं तो ये समझने से काफी हूं, ये तो आपके पास है, बिल्कुल सही बात है। आपने ये कौन सी टर्म नॉन फाइलर की लगा दी है, ये कौन सी कंडीशन लगा दी है जो टैक्स नहीं दे सकता उसके लिए एक ब्रैकेट है, बड़ा आसान सा हिसाब है, उसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बात आपसे नहीं, हर बंदा जो है वो बैंक अकाउंट है और वो नॉन फाइलर है। क्यों है नॉन फाइलर? ये गलत है तो आपने वो रखा है, अब आपने एक सेक्टर को बिल्कुल लेवरेज दे दिया कि जी ये टैक्स पेयर हो ही नहीं सकता, उसमें सारे वहां खड़े हैं। जब पकड़ेंगे तब ये सारे फिर फाइलर बनेंगे ना, ये सारे जब इन पे पाबंदियां लगेंगी तो फाइलर। अब जब 45% नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी भी देना पड़ेगा तो फाइलर बनेगा ना, यार फाइलर बनो तो 15% देना पड़ेगा बेनिफिट। देखिए मेरी बात समझे, अब जहां तक आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, 1 रुपए सीमेंट के ऊपर बढ़ाए, 2 से 3 रुपए वो किया उसको, लेकिन साथ ही स्क्रैप पे जो लोहे का स्क्रैप है उस पर सेल टैक्स खत्म कर दिया। अब देखिए बेहतरी की तरफ हल्का हल्का क्यों किया? ये कारोबार किसका है? बहुत लोग हैं, रोलिंग स्टील मिल बंद कर दी, रोलिंग फैक्ट्रियां बहुत चल रही है, स्टील मिल बंद कर दी, यहाँ जो ये गडानी की जो शिप ब्रेकिंग है अब ये सवाल खत्म कर दी, और स्क्रैप जो है वो उसके ऊपर जो है। और फिर एक और चीज मैं इस हवाले से ही बताऊं, हमारे यहाँ सारा जोर इंपोर्ट के ऊपर होता है। अब चाइना गए, बिल्कुल सही, आप उनको अगर यही गधे जिनकी तादाद पाकिस्तान में बढ़ गई है, सिर्फ एक चीज है जिसकी बताई है इन्होंने कि 59 लाख हो गए हैं, जो है ना, और जो है उनके अंदर जो है वो ग्रोथ हो रही है, अगर यही गधे जो है वो आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें चाइना को, यहीं से जो है ये आप ये जो गली महलों के अंदर जो आवारा कुत्ते फिर रहे हैं उन्हीं को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। इंपोर्ट का 58 अरब का इन्होंने बजट रखा है कि इंपोर्ट से 58 अरब की होगी इस साल, और उस पे सोलर के ऊपर जो है उन्होंने पूरी बेनिफिट दिए कि यहाँ लोकल बेनिफिट ये कि वो जो उसकी बैटरीज और वो अगर कहते हैं यहाँ बनती है ना उसके पार्ट्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली। तो बेहतरी मैं समझ जाऊँ इस हालत में ये कौन सी वो है, इस हालत में ही बहुत अच्छा बजट खत्म हो गया। इस हालत में, अच्छा इस हालत में आप मुतमईन हैं कि आपको अच्छा नजर आ रहा है? ठीक है ना, पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ती है, देखें दोबारा $78 इंटरनेशनल प्राइस हो गई है, $73 से प्राइसेस के अंदर कोई देखे ना, कोई एक प्राइस स्टेबल तो नहीं रहती ना, हमारे यहाँ तो अभी दोबारा स्पाइक आएगी उसके बाद होगी, तो फिर अब पास ऑन कैसे करेंगे, और फिर वो ट्रांसलेट हो जाती है आपकी इन्फ्लेशन के अंदर, और जब वो इन्फ्लेशन कॉज करती है तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। चले फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। नासिर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जफर भाई आपका बहुत शुक्रिया, मुख्तसर वक्त में कोशिश की कि इस मामले पर गुफ्तगू की जाए, कल भी इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। और थोड़ा ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।